Anu Ataha. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهما أصدق الصادقين بسم الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صلوات اللهم صل على محمد. عزیزان محترم, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی قرآن مجید کا سورہ سورہ الحمد, تمام ہی بچے بزرگ مسلمانان سب واقف ہیں اس سورے سے. ایاک نعبد ویاک نستعین, اے میرے معبود ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. عزیزان گرامی, کتنی بہترین عبادت ہے جو ایام اعظم میں ہم سب لوگ عبادت الہی میں مصروف ہیں. میں تو صرف اپنے رب کریم کا تشکر ادا کرتا ہوں, اے میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمارے پیروں کے اندر وہ طاقت بخشی ہے جن پیروں کے ذریعے سے ہم سفر طے کر کے سیدہ کے لال کے آغا خانے میں پہنچ کر شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسا پیش کرتے. میرے عزیزوں, میرا موضوع یہ عبادت الہی رہتا اور ماشاءاللہ سے تمام ذاکرین خطبہ بڑے اچھے اچھے انداز میں مومنین کے سامنے فضائل اہل بیت علیہ السلام, مسائل سید الشہداء بیان کر رہے ہیں. اللہ تمام ذاکرین اہل بیت کو پروردگار سلامت رکھے. اور میرے عزیزوں, ہم کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ وہ مولانا بہت اچھے پڑھ رہے ہیں, وہ مولانا خراب پڑھ رہے ہیں, وہ مولانا ایسے وہ. عزیزان گرامی, اب میں یہاں جو کہ رام پورے میں دوسرا سال اور ویسے بھی پہلے بھی کئی مرتبہ آیا ہوں, اب میں آنے کے بعد یہ پوچھوں, جناب فیروز صاحب یہ بتائیے کہ ہم مومنین یہاں کے کیا پسند کرتے ہیں, کس موضوع پہ, میں جاوید صاحب سے کہوں کس موضوع پہ گفتگو کرنا ہے. عزیزان گرامی, ڈاکٹر جب انسان کے جسم کو چیک اپ کرتا ہے تو خود فیصلہ کرتا ہے
इनके जिस्म की बॉडी में किस चीज की जरूरत है। और बैठ गया जाकिर अहले बैत सबसे दाना अकलमंद वही जाकिर होता है जो वहां की आवाम के मिजाज को समझे और समझने के बाद उसी एतबार से गुफ्तगू करे। मेरे अजीजों अहले बैत के अथार अलैहिस्सलाम का जो मिशन लेकर चले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर सिर्फ मातम कराना था या सिर्फ आंसू बहाना थे कि मेरे चाहने वाले सिर्फ मातम करें आंसू बहाएं बस इसके बाद कुछ नहीं करना है तो मेरे अजीजों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इतनी अजीम कुर्बानी पेश करने की जरूरत क्या थी। मेरे अजीजों नबी करीम के नवासे का मिशन ये था कि मेरे नाना का दीन बचा रहे। अब मेरे अजीजों कितने अहले बैत के परवाने यहाँ पर तशरीफ फरमा है, कितने अहले बैत के चाहने वाले यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मेरे अजीजों हर नस्ल अपने खानदान से पहचानी जाती है लेकिन हमारा असल खानदान जो है वो खानदान अहले बैत है। मेरे अजीजों हमारा किरदार, हमारी रफ्तार, हमारी गुफ्तगू, हमारे अंदाजे जिंदगी, हमारा हर पहलू ऐसा होना चाहिए अगर किसी अहले हुजूर में भी खड़े हो तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि ये ऐसा वैसा इंसान नहीं है बल्कि अहले बैत का चाहने वाला है। इसका किरदार हमसे बुलंद होना चाहिए, इसकी गुफ्तगू हमसे अच्छी होना चाहिए, इसकी जिंदगी हमसे अच्छी होना चाहिए। तो लिहाजा अगर हमारा किरदार अच्छा होगा, हमारी जिंदगी अच्छी होगी, तमाम लोग ये कहेंगे कि जब ये इतना अच्छा है तो इनके अहले बैत कितने अच्छे होंगे, हसन कितने अच्छे होंगे, हुसैन कितने अच्छे होंगे, पैगंबर कितने अच्छे होंगे। वीडियो बना रहे हैं, एक ये बच्चा सामने वीडियो बना रहा है, इससे बहुत बड़ा पैगाम मिलता है जावेद साहब, बहुत बड़ा मैसेज मिलता है। क्या मैसेज मिलता है? अजीजाने गिरामी जिस परवरदिगार की हम इबादत करते हैं, जिस रब्बे करीम की बारगाह में सर पर सुजूद होते हैं, मेरे अजीजों इंसान क्या कहता है? नमाज पढ़ता हूँ मैं सुबह की या जुहर की या असर की, इतनी रकत वाजिब पर वतन इल्लाह। लेकिन अजीजाने गिरामी मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिमाग कहाँ है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ? मेरे अजीजों अगर कोई भी बच्चा ये सोच के इबादत करे कि हम जिस अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और हम ये जहर में सोचे कि अल्लाह उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है, उसका चेहरा इतना खूबसूरत है, हम अल्लाह का तसव्वुर अपने जहन में लाए और लाने के बाद फिर हम अल्लाह अकबर कहें तो अजीजाने गिरामी हमारी इबादत हमारे मुंह पर मार दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि हमने ये जहन में सोचा, ख्याल आया कि जिस अल्लाह की इबादत कर रहे हैं वो बहुत लंबा चौड़ा होगा, बड़े अच्छे हाथ होंगे, बड़ी अच्छी आंख होगी और उसके उसी परवरदिगार के आर्डर से उसकी हम नमाज पढ़ रहे हैं। तो मेरे अजीजों ये तसव्वुर हमने सोचा कहां? हम अपने जहन में लाए ना,
लेकिन अजीजाने गिरामी कुरान मजीद क्या कहता है, लम यलिद वलम। अगर मैं इशारा करके गुफ्तगू करना चाहता हूँ अजीजाने गिरामी, ना उसका कोई बाप है और ना कोई उससे पैदा हुआ है। मेरे अजीजो, जो इंसान के जहन से तसव्वुर पैदा होता है तो ये जहन की जहन हमारा खालिक हो गया। अजीजाने गिरामी, हम उस जहन की जो जहन में हमने आग से बनाया है, तो अजीजाने गिरामी परवरदिगार वो नहीं है जिसे पैदा किया जाए सोचा जाए। अजीजाने गिरामी परवरदिगार वो है जिसकी हम इबादत कर रहे हैं। मेरे अजीजों, ना उससे कोई पैदा हुआ है ना वो किसी से पैदा हुआ है। अजीजाने गिरामी सलवात पढ़े बार मोहब्बत वाले, यहां से बहुत बड़े बड़े मैसेज मिलते हैं। अभी हम मिसाल तौर पर मजलिस में आ रहे थे, एक साहब मिले, सुनते हो सुनाओ, अरे वो जो है ना वो बहुत बुरा है, वो बहुत अच्छा है, कहीं गीबतें, कहीं चुगलियां, कहीं हसद, कहीं बुराइयां, और फिर साफ सुथरा लिबास पहनने के बाद आपके दरमियान आ गए। अबे मौलाना बहुत अच्छे हैं यार, कितना बेहतरीन लिबास पहने हुए हैं, क्या बेहतरीन टोपी है, क्या बेहतरीन पायजामा पहने हैं, क्या बेहतरीन कुर्ता पहने हुए हैं। अजीजाने गिरामी, किसी के लिबास को देखकर उसका एहतराम मत करना, क्योंकि लिबास के मायने है धोखा। मैं क्या कर रहा हूं, अजीजाने गिरामी असल अमली जिंदगी उसकी वो है जो इंसान बातिन में भी जिंदगी को अच्छी तरीके से अंजाम देता है, जाहिर में भी अच्छी जिंदगी को अंजाम देता है, उसे कहते हैं मुहिब्बे अहले बैत। सलवात पढ़े वर महान देते हैं जो फरेबकार होता है, धोखेबाज होता है, शर फैलाने वाला होता है, उसको इज्जत ज्यादा दी जाती है। लेकिन मोमिन कौन होता है, मोमिन जिसके लिए मासूमीन ने कहा है हमारे मोमिन को पहचानना है, तो मेरे अजीजों जो मोमिन होगा अगर कहीं चौराहे पे खड़ा है, वहां पर चंद लोग खड़े हैं और वो गीबतें कर रहे हैं, मोमिन वहां खड़ा नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मोमिन की पहचान बता रहा हूँ। अजीजाने गिरामी, जहाँ शर फसाद की बातें हो रही होंगी, जहाँ गीबतें हो रही होंगी, वहां पर वो मोमिन खड़ा नहीं हो सकता। या ये कहा जाए, जहाँ पर निजासतों को उछाला जा रहा होगा, वहां पर मोमिन खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अहले बैत का मानने वाला है, पैगंबर का चाहने वाला है, हसन हुसैन का मानने वाला है। आगे बढ़े, गईबत की, फिर कहा तौबा 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 तौबा, फिर थोड़ा आगे बढ़े, चूंकि वो शैतान है ना, वो दिमाग में जिसने अंडे दिए ऐसे, उसने जरासीम ऐसे छोड़ दिए हैं, वो चाहता है जुल्म कर, जितना करना चाहे कर, लेकिन यौम यकूम हिसाब को याद रखे। रब्बना फिर ली वले वले भैया वलिल मुकमिनीना यौम यकूम हिसाब, उस दिन मैं सब कुछ देख लूंगा। परवरदिगार कह रहा है जिस दिन हिसाब किताब होगा, जितनी यहां मक्काइयां यारियां की है, इतनी ही सख्त पिटाई होना है, वहां पर ना अब्बा बचाएंगे ना अम्मा बचाएंगे। मेरे अजीज को ये वीडियो बन रहा है, ये सब वीडियो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हम और आप, हमारे और आपके सब चेहरे इसके अंदर महफूज। ठीक के मौलाना ने क्या पढ़ा, क्या उन्होंने बयान किया, ये तमाम के तमाम हरकत और सकनात हमारी सब रिकॉर्ड हो रही है। या दूसरी मिसाल दूं, कहीं अगर ऐसा कैमरा लगा हुआ है
किसी ऑफिस में जो तमाम बातें महफूज कर रहा है, या उसकी आवाज या उसकी तस्वीरें वो हरकत और सकानात किसी मंत्री के पास जा रही हो या एसपी के पास जा रही हो, कोई अधिदारे गिरामी, वहां जब इंसान बैठता है तो बैठने के बाद चोरी की बात रिकॉर्डिंग, यानी अल्लाह ने जिस अकल के जरिए से इन मशीनरियों को पैदा किया है उनसे इतना खौफ है। लेकिन अजीजाने गिरामी, ये जो वीडियो है, ये मोबाइल में रिकॉर्डिंग जो है, ये कैसेटें जो है, इनके अंदर कार बना सकता है। इनके अंदर कार बना सकता है। लेकिन अजीजाने गिरामी, वो परवरदिगार जिसकी हम और आप इबादत करते हैं, वो परवरदिगार समी भी है, बसीर भी है। बद्दो इलाकों में पुत्र अल्लाह समी भी है, बसीर भी है। बोलो तो सोच समझ के बोलना, क्योंकि वो समी है, वो सुन रहा है, वो बसीर है, वो देख रहा है। अगर किसी के कमरे में घुस रहे हो ना माल उठाने के लिए, ये मत सोचो कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो बसीर है। मैं क्या कर रहा हूँ मेरे अभी को, ये तमाचो अल्लाह वीडियो बना रहा है, ये अल्लाह ने कैमरा बसीरत का लगाया है, सुनने का कैमरा लगाया है। ये नेटवर्क इतना मजबूत है, अगर तय खाने में भी बुरा करोगे, ऐसी जगह भी अगर बुरा करोगे जहां पर मोबाइल की रेंज नहीं पहुंचती है, वहां भी रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर ये तमाम की तमाम वीडियो कैसी बरोदे मैशर आपके सामने पेश की जाएगी। आप कहेंगे नहीं, मैंने तो मौलाना को कुछ नहीं कहा। आप खोलो भाई, रिकॉर्डिंग चलाओ जरा। परवरदिगार कहेगा देखो ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, देखो ये तुम कर रहे हो ना काम, ये उंगलियां जो आज हमारे कब्जे में है ये हमारे खिलाफ गवाही देगी। हम कहेंगे नहीं, मैंने हाथों में किसी को नहीं मारा तमाचा। लेकिन परवरदिगार कहेगा ये देखो ये तुम्हारा ही हाथ है ना, ये तुम्हारा ही चेहरा है, काम नहीं है तो देखो तुमने इससे यकीन में तमाचा मारा था। अजीजाने गिरामी, ये तमाम के तमाम, मैं कहता हूं इंसान सबसे अजीम गुनाह जिना है। लेकिन अजीजाने गिरामी, जिना भी कई तरह का होता है, एक आंखों से जिना होता है, एक हाथों से जिना होता है, एक कामों से जिना होता है। अजीजाने गिरामी, अगर आलाते जिना को अगर आप कामों से सुन रहे हैं तो कानों का जिना, और अगर आप ना महरम और तो बेनिगाहें लिज्जत की डाल रहे हैं तो नाकों का जिना। मेरे अजीजों, ये शरीयत इस्लाम बड़ी नाजुक है जिसे हम बहुत आसान समझे बैठे हैं। मेरे अजीजों, और लोगों से तो हिसाब किताब होगा या नहीं होगा, लेकिन हम लोगों से हिसाब किताब जरूर होना है, गारंटीड होना है, 100% होना है। अजीजाने गिरामी, ये तमाम के तमाम आमाल जो हमने यहां किए हैं वो आखिरत में परवरदिगार देखेगा। आप आओ मैदान में, बड़ी चालाकियां दिखाते थे, शीरा लगाते थे ना, इस तरह शीरा लगाते थे। अजीजाने गिरामी, शीरा एक लफ्ज आमतौर से मिसाल दी जाती है कि कहा दो मोहल्ली में मैंने शीरा लगा दिया, क्या शीरा लगाया। अजीजाने गिरामी, शीरे की कैफियत क्या होती है, जरा सा शीरा लगाया उसके ऊपर मक्खी आई, मक्खी के पीछे मकड़ी, मकड़ी के पीछे छपकली, छपकली के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे कुत्ता, कुत्ते के पीछे पत्नी, क्या हुआ, फसाद हो गया। अजीजाने गिरामी, वो इंसान, वो मनहून इंसान, वो लानती इंसान जिसने ये शीरा लगाया, कहते सबकी निजात हो जाएगी, उसकी निजात नहीं हो सकती। एक सलवात पढ़ मोहम्मद।
वाले हैं, हम तो हसन वाले हैं, हम तो हुसैन वाले हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है कह देना। लेकिन अजीज आने की रामी आपको एक वाक्य सुनाता हूं, एक सलवार का सहारा दे मोहम्मद। आज हम जो कहते हैं कि हम मौला के चाहने वाले हैं, हमारी निजात हो जाएगी। अजीज आने की रामी मैंने एक मजलिस में अर्ज किया था कि मौला का चाहने वाला मक्का यार नहीं हुआ करता। मौला का चाहने वाला ऐसा हो जिसके अंदर की के दारे भी समय तमाम हो, के दारे उदर हो, के दारे निदार हो, उसे कहते हैं अहले बैत का चाहने वाला। शर्री और फसादी को अहले बैत का चाहने वाला नहीं कहा जा सकता। कहते हैं हम तो मौला के चाहने वाले, मौला हमारी जान है कुर्बानी। इसी तरह से मेरे मौला के पास एक शख्स आया और आने के बाद कहता, मौला मैं आपका मुहिब हूँ, मैं मौला मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मौला मेरी जाने कुर्बान, मेरा खानदान कुर्बान, मेरा कुर्मा कुर्बान, मौला मैं आपको बहुत चाहता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुतवज्जे है ना, जाग के सुनिएगा। अभी गाने के आगे जब उसने ये कहा, मौला मैं आपका पक्का सच्चा मौलाई हूँ, अच्छा अब इंतजारी गिरामी वो मौला नहीं जो तमाम राज से वाकिफ ना हो। अधिकारी गिरामी एक मतबा मौला मुस्कुराए, कहा तुम मेरे चाहने वाले हो। कहा मौला, कहा जरा एक तमोल फूक जा। मैं कहूंगा अरे नादान, अरे कम अज कम हुसैन के चाहने वाले उन जवानों से सबक ले लेता जो आप पे चलते हैं या हुसैन कहते हुए आपको से गुजर जाते हैं महसूस नहीं होता। अभी जाने के रामी एक मतलब मौलाने का, अच्छा कूद नहीं सकते हमारे मोहिब कहां मौला, पक्का एकदम पक्का। अजी सारे ग्रामी एक मतबा मेरे मौला ने कहा, देखो ये सामने से गर्द उठ रही है ना, मैं क्या कर रहा हूँ। अभी राने के रामी एक मतलब मौलाने का, ये सामने से देख रहे हो ये गर्द गर्द हुआ लंबा हो रहा है। कहा मौला मैं देख रहा हूँ। मौला कहते हैं देखो ये हमारा चाहने वाला है। आए आए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मतलब जब वो करीब आया, आने के बाद मौला को सलाम किया, मौला आपको मेरा सलाम, मौला ने सलाम में जवाब दिया, मौला कहते हैं मेरे चाहने वाले इस तनूर में कूद गया। मौला ने तनूर को ढक दिया। आए है कहां बैठे हैं आप लोग। अभी जाने की रानी भरपूर तवज्जो का तालिब हो। अभी जाने की रानी जब तनूर ढक दिया, अब मौला कहते हैं आप बताइए आपके आप खानदान वाले कैसे हैं, गुजर बसर कैसे। मौला मौला उसे देख लीजिए। अभी जाने की रानी जब वो बार बार कहता रहा मौला उसे देख लीजिए, वो तो जल गया होगा। कि मतलब मौला ने कहा कि जिसके दिल में अली ये मेरा भी तालिब की मोहब्बत होती है, अब उसे जलाया नहीं करती। अब जो तनूर का ढक्कन हटाया क्या देगा, हमने मक्की कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। परवरदिगार ला पता इल्ला
इबादत करते हैं। ऐ मेरे महबूब, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। अजीजाने गिरामी, जो तहे दिल से अपने रब की इबादत करता है, परवरदिगार उसकी नुसरत करता है और अल्लाह उसे रिस्क देता है। मेरे अजीजों, क्या खूब मेरे मौला इमाम जाफर सादिक इरशादात फरमाए हैं मेरे मौला ने। मेरे मौला ने कहा कि तुम नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद रिस्क हासिल करने के लिए निकल जाओ। अजीजाने गिरामी, मौला कहते हैं अगर तुम्हें फिर भी तमीज ना आए, तुम परख ना पाओ, तो अल्लाह ने एक मखलूक कौवे की शक्ल पैदा की है। कहा मौला, मौला कहते हैं इस कौवे से चंद दसिया के लिया करो। मौला फरमाते हैं का जिस तरह से कौवा सुबह को निकल जाता है और निकलने के बाद शोर शराबा करता है, किसी के घर में से चमचा फेंकता है, किसी की पतीली फेंकता है, किसी की चंगेरी उलट देता है और उलटने के बाद रिस्क हासिल करता है, का एक तो कौवे से सबक हासिल करो के रोजी हासिल करने के वक्त किस तरह निकलना चाहिए। अजीजाने गिरामी, का जिस तरह से कब्बा सुबह सवेरे निकल जाता है, इसी तरह से नमाज सुबह पढ़ने के बाद आप अल्लाह के राह में निकल जाइए अपने बच्चों की रोजी हासिल करने के लिए। परवरदिगार कहता है निकलना तुम्हारा काम है, रोजी देना मेरा काम है। अजीजाने गिरामी, फिर मासूम ने फरमाया, छठे इमाम ने फरमाया, शैतान से बचने के लिए कब्बे से सबक लो। मौला कब्बे से कैसे सबक ले? मेरे मौला ने कहा तुमने कब्बे को देखा है? कहां देखा है? कहा देखो जब कब्बा तुम्हारी मुनेर पे बैठता है। भाई मम्मू मेरी तरह मुतवज्जे है, सलवात पढ़ भाई मोहम्मद। कौवा जो है मुनेर पे आके बैठता है और बैठने के बाद अपनी चोंच को कभी दाएं जानी कभी बाएं जानी मिस एक सुई के चारों तरफ अपनी चोंच को घुमाता रहता है। मौला के चाहने वाले ने पूछा, मौला ये चारों तरफ अपनी चोंच क्यों घुमा रहा है? एक मतलब मौला कहते हैं, ऐ मेरे चाहने वाले, जहां जहां मेरे चाहने वाले हैं उन सबको पैगाम देते रहना। एक मतलब का मौला क्या पैगाम दे? तब कब्बा जो है तुम्हें मैसेज दे रहा है, चारों तरफ जो अपनी चोंच घुमा रहा है वो इसलिए घुमा रहा है, वो अपने दुश्मन से वाकिफ होना चाहता है। मेरा दुश्मन कहीं इधर से कहीं कर ना मार दे, कहीं इधर से ना मार दे, कहीं इधर से ना मार दे। का मौला और क्या पैगाम है? का जिस तरह से कब्बा अपनी बॉडी की चारों तरफ चोंच घुमा कर हिफाजत करता है, इसी तरह से अपने जिस्म की चारों तरफ से हिफाजत करना पता नहीं शैतान किस तरह से हमला करते हैं। अजीज खाने गिरामी, एक एक लफ्ज एक एक हदीस अपनी जिम्मेदारी से मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अजीज खाने गिरामी, ये नहीं कि हम पता ही नहीं देते पढ़ नहीं सकते, ये भी तो पता ही नहीं देते सलवात पढ़े मर मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। शैतान की पहचान बताई है का क्या शैतान की पहचान है?